चाणक्य के समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है आयुष्मान सहकार योजना। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, आयुष्मान सहकार योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव दिखाई देंगे और आखिर में इससे संबंधित प्रश्न पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। गाँव में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इसे तैयार किया है। आयुष्मान सहकार में अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सम्मिलित किया गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि आयुष्मान सहकार योजना क्या है। आयुष्मान सहकार योजना के तहत सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत ऋण सहकारी विकास निगम अर्थात NCDC के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अगले कुछ वर्षों में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए कर्ज देने की घोषणा की है। NCDC की तरफ से यह वित्तीय मदद या तो राज्य सरकारों के माध्यम से या पात्र सहकारी समितियों को सीधे ही प्राप्त होगी। अन्य स्रोतों से सब्सिडी या अनुदान परस्पर अनुबंध के हिसाब से होगा। जिन भी सहकारी समितियों के उपनियमों में स्वास्थ्य सेवा से संबंधित गतिविधि के लिए उचित प्रावधान है, वे NCDC से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस स्टार्टअप योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए सहकारी समिति को 3 साल पुराना होना चाहिए। अब एक नजर डालते हैं इस योजना के उद्देश्यों पर। NCDC की योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका स्वरूप अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों जैसे आयुष के साथ व्यापक है। अपने सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से यह स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, मानव संसाधन का विकास करने, चिकित्सा बहुलवाद को प्रोत्साहित करने, किसानों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि को सम्मिलित करती है। आने वाले समय में इसके क्या प्रभाव दिखाई देंगे अब हम देखते हैं। NCDC निधि सहकारिताओं द्वारा स्वास्थ्य देखभाल सेवा के प्रावधानों को मजबूती प्रदान करेगी। केंद्र द्वारा किए जाने वाले किसान कल्याण क्रियाकलापों को मजबूत करने की दिशा में यह योजना सहायक होगी। आयुष्मान सहकार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। अब एक नजर आज के प्रश्न पर। हाल में ही शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, आयुष्मान सहकार में अस्पताल के निर्माण, आधुनिकीकरण, विस्तार, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सम्मिलित किया गया है। कथन दो, इस योजना के तहत राज्य सरकार ऋण उपलब्ध कराएगी। उपरोक्त में से असत्य कथन है। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना एक ना ही दो। आपके जवाब का इंतजार हमें कमेंट सेक्शन में रहेगा। पिछली वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।